इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करंट अपडेट, डेटशीट, सर्कुलर नोटिस, एडमिशन अपडेट के साथ सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम ID JK Student 06 को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम डिटेल्ड स्टोरी बता देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन, क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन, टोटल वैकेंसी कितनी है, इसमें क्या सिस्टम है, पूरा डाटा इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको बता दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं। अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जो बैच रहेगा, आपको बता दें कि 17 मार्च 2024 को इसका रिटर्न एग्ज़ाम है। कब है एग्ज़ाम? 17 मार्च को इसका रिटर्न एग्ज़ाम है, जो आपके माइंड में होना चाहिए। फिलहाल सबसे पहले हम चेक करेंगे इस नोटिफिकेशन को। अगर आप इसका फुल PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लड़कों का ग्रुप अलग है, लड़कियों का ग्रुप अलग है। ज्वाइन करना चाहते हो तो 9682311 पर मैसेज करके 1 time entry 30 करके आप ग्रुप में भी एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आप YouTube पर ही वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि आपको हर डेली जॉब अपडेट्स के रिलेटेड नई से नई वीडियोस देखने को मिलती है। आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाएंगी। अगर आपने फॉर्म फिल करवाना होगा तो हमारे इसी नंबर पर मैसेज करना है, 9682311 पे। बट पहले चेक कर लेना है कि फॉर्म शुरू कब से हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, फीस क्या है और उम्र सीमा क्या है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को लिए मैसेज करें, अगर नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट वैकेंसी को वेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फॉर्म इसके कब शुरू होंगे ये आपको बता दें, 17 जनवरी से शुरू होंगे। ठीक है, आज कितनी है, 13, लोहड़ी वाले दिन वीडियो बन रही है, 17 जनवरी से जो फॉर्म खुल होंगे और 6 फरवरी को क्लोज हो जाएंगे। थोड़े दिन फॉर्म रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं। स्टार्टिंग में जो फिल कर लेगा ठीक है, बाद में इसका लिंक वगैरह वो है वो एरर हो जाता है। बाकी ये बता दिया हमने डेट कब से लेकर कब तक फिल होंगे। अब अगला जो मेन पॉइंट्स है क्वालिफिकेशन, कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कौन कौन फिल कर सकता है, लड़के और लड़कियां। ठीक है, इसमें आपके कैंडिडेट है पास इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं पास होने चाहिए, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए, और साथ में इंग्लिश के 50 नंबर होने चाहिए। आप साइंस वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट है आर्ट्स वाले, तो आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए और आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए फिर ही जाकर। 45% होंगे नहीं फिल होगा आपके। अगर 52% होंगे इंग्लिश के, 42 मार्क्स होंगे नहीं फिल होगा। तो इसलिए आपका माइंड में होना चाहिए कि इंग्लिश के भी 50 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, फिर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो आपको एलिजिबिलिटी बता दी, अब सबसे बड़ी हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर लड़कों की, 147 सेंटीमीटर जो है वो लड़कियों की हाइट होती है इसमें। ठीक है, हाइट वगैरह बड़ी कम होती है इसका। सबसे पहले रिटर्न वगैरह रहेगा, अग्निवीर वाली स्कीम है। जे वैकेंसी की बात करें तो 3500 वैकेंसी है पूरे भारत की। ठीक है, 350 ये हो गया। अब एक और डाउट्स बच्चों के माइंड में रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, उम्र। ठीक है ना, मेन है उम्र की बात करें तो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में जो बच्चे आते हैं उनका ही फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज किसी का नहीं। 21 साल उम्र है इसमें। ठीक है, 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में जिनकी उम्र है वही फिल कर पाएंगे, बाकी अदर कोई भी नहीं। ठीक है, और किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना दोस्त। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपके छोटे ब्रदर सिस्टर्स कोई हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करवाएं। जम्मू में भी इसका सेंटर होता है। ठीक है।